साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं मैथ का बहुत बेसिक पॉइंट्स को लूँगी। जो आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाएंगे तो इसमें कई बार प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगी, ठीक है। आइए आज मैं बताती हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब जानते हैं अनंत। क्या होता है अनंत? अभी मुकेश अंबानी का बेटा जी का नाम भी अनंत है, इन्फिनिटिव। तो जो अनंत है इसके बारे में यानी इन्फिनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए एक में इन्फिनिटिव को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति, भाई एक होगा, इन्फिनिटिव होगा, जीरो होगा, इस तरीके से आएगा। तो देखिए, एक में अगर हम इन्फिनिटिव को जोड़ते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा, हमेशा याद रखिएगा। एक में अगर इन्फिनिटिव को घटाइएगा तो वो भी हमारा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। एक नहीं, यहाँ मैं पूरा डिजिट की बात कर रही हूँ। एक की जगह पे आप दो भी रख के देख सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, कुछ भी डिजिट, बस वो नंबर होना चाहिए। तीसरा है कि अगर एक में हम इन्फिनिटिव को गुना करेंगे तो इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। एक में अगर इन्फिनिटिव से भाग देंगे तो ये जीरो। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसमें मत इन्फिनिटिव कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में हम इन्फिनिटिव से भाग देंगे तो उसका वैल्यू हमारा जीरो प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव से गुणा करेंगे तो भी हमें इन्फिनिटिव ही प्राप्त होगा। अगर जीरो में अगर हम इन्फिनिटिव से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। आपको मालूम होगा कि जीरो नहीं पॉजिटिव संख्या है, नहीं निगेटिव संख्या है, वह एक चार्जलेस संख्या है, वह एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो हमारा हिस्ट्री है ये इन्फिनिटिव का है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना होगा। मैक्सिमम यह ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार साइन 180, साइन 120, साइन मतलब इस तरीके का कुछ आएगा जिसमें इन्फिनिटिव में किसी डिजिट में इन्फिनिटिव को जोड़ना पड़ेगा, तब कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। आइए हम जीरो की बात करते हैं। अगर किसी संख्या में हम जीरो को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगा। मतलब एक में अगर जीरो को हम जोड़ेंगे तो एक प्राप्त होगा, एक में हम जीरो को घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा, एक में हम जीरो को गुणा करेंगे तो यह जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाओ में जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम जीरो से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को वह डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। चाहे पाँच में जीरो से गुणा करेंगे पाँच जीरो हो जाएगा, दस में, एक में, दो में, तीन में, चार में, पाँच में, ठीक है। आइए अगर हम किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वह इन्फिनिटी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक है। अगर जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका क्या मान हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा जीरो। ये सब बहुत बेसिक सवाल है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जीरो में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, लेकिन किसी संख्या में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। आइए अगर किसी भी चीज़ के पावर जीरो होता है तो जैसे किसी भी चीज़ के पावर जीरो, जैसे वन के पावर जीरो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू वन होगा, हमेशा याद रखिए। यह अलजेब्रा में भी काम करेगा। अलजेब्रा ही नहीं, मैथ का बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसमें आपको यह बहुत काम देना होगा, पड़ेगा। जैसे कि आप लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉग पढ़िएगा, उसमें भी आपका इसका बहुत बहुत यूज़ होगा। दो के पावर जीरो क्या होगा? तो ये हो जाएगा एक। तीन के पावर जीरो क्या होगा? तो ये भी हो जाएगा एक। चार के पावर जीरो क्या होगा? ये भी हो जाएगा एक। किसी अल्फाबेटिकल सीरीज़ को लीजिए, ए के पावर जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक। लेकिन अगर जीरो के पावर जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको मालूम है? इसका वैल्यू अनडिफाइंड, मीन्स परिभाषित नहीं, इसका वैल्यू अनडिफाइंड। जीरो के पावर अगर जीरो आ रहा है कहीं पे तो वो अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सवाल जो मैंने आपको बताया। अगर यह सेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में इतना ही। अगर आपका प्रेम और स्नेह रहा तो जरूर हम दूसरी सेशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।